हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मैजिकल स्कूल। हैरी पॉटर सीरीज में हमने देखा था कि हॉरक्रक्स एक ऐसा डार्क मैजिक है जिससे कोई भी विजार्ड या विच इमोर्टैलिटी हासिल कर सकते हैं, यानी कि वो हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। लेकिन क्या विजिटिंग वर्ल्ड में हॉरक्रक्स से ही इमोर्टैलिटी हासिल की जा सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। हॉरक्रक्स के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे कोई भी इमोर्टल बन सकता है, तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने हेडफोन तैयार रखो क्योंकि ये मैजिकल जर्नी बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कूल वेबसाइट के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आपको रमी खेलना पसंद है तो आप रमी बाजी वेबसाइट को भी जरूर से ट्राई कर सकते हैं, जो कि इंडिया की मोस्ट रिवॉर्डिंग रमी वेबसाइट है। यहां आप खेल सकते हैं कैश टूर्नामेंट, वो भी सिर्फ 5 रुपए में, और जीत सकते हैं रियल कैश। यहां तक कि अपने जीते हुए कैश को इंस्टेंट विड्रॉ भी कर सकते हो। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से रमी बाजी ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको साइन अप करते ही 50 रुपए का बोनस भी मिलेगा। तो जून के महीने में दिखाओ अपना रमी बाजी का जुनून और जीतो ढेरों इनाम। विजिटिंग वर्ल्ड में सिर्फ वोल्डेमॉर्ट ही एक ऐसा विजिट नहीं था जो इमोर्टैलिटी हासिल करने में कामयाब हुआ था, बल्कि वोल्डेमॉर्ट से पहले भी बहुत से लोग इमोर्टैलिटी पा चुके थे और उनके बारे में भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। नंबर 1, फिलोसोफर स्टोन। फिलोसोफर स्टोन को 14th सेंचुरी में निकोलस फ्लेमेल ने बनाया था, और इस स्टोन की मदद से अमृत बनाया जा सकता था और किसी भी मेटल को प्योर गोल्ड में बदला जा सकता था। और इसी स्टोन की मदद से निकोलस फ्लेमेल और उनकी वाइफ ने अपने अधूरे काम करने के लिए इमोर्टैलिटी हासिल की थी। और 1991 से 1992 के दौरान लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट इसी स्टोन को हॉगवर्ट्स से चुराने की कोशिश करता है, जिसके बाद एल्बस डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल मिलकर उस स्टोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद निकोलस फ्लेमेल और उनकी वाइफ इमोर्टल नहीं रहते, क्योंकि फिलोसोफर स्टोन जो अमृत देता था वो उनकी लाइफ को कुछ टाइम के लिए बढ़ा देता था। लेकिन जब फिलोसोफर स्टोन ही नहीं रहेगा तो वो कैसे जिएंगे? नंबर 2, यूनिकॉर्न ब्लड। यूनिकॉर्न ब्लड भी एक तरह से फिलोसोफर स्टोन के अमृत की तरह है, क्योंकि जो भी यूनिकॉर्न के ब्लड को पीता है ये उसकी लाइफ को बढ़ा देता है और मरते हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। लेकिन यूनिकॉर्न के ब्लड के साथ एक प्रॉब्लम है, ये ब्लड पीने वाले की लाइफ को मौत से भी बदतर बना देता है। लेकिन अब आप पूछोगे कि ऐसी लाइफ कौन जीना चाहेगा, तो इसका तो बस एक ही जवाब है, शैतानों का शैतान वोल्डेमॉर्ट। हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन में हमने मूवी और बुक दोनों में ही देखा था कि वोल्डेमॉर्ट, जो कि कुरिल के शरीर के जरिए जी रहा था, वो यूनिकॉर्न का ब्लड पिया करता था। नंबर 3, डेडली हैलोज। विजिटिंग वर्ल्ड में डेडली हैलोज बहुत पावरफुल ऑब्जेक्ट हैं, जो कि है एल्डर वॉन्ड, रिजरेक्शन स्टोन और इनविजिबिलिटी क्लॉक। और जिसके भी पास ये तीनों चीजें होंगी वो मास्टर ऑफ डेथ बन जाएगा, यानी कि वो इमोर्टल हो जाएगा। और ये तीनों ही ऑब्जेक्ट डेथ ने ही दिए थे। एल्डर वॉन्ड जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है, रिजरेक्शन स्टोन जो कि मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकता है, और इनविजिबिलिटी क्लॉक जो कि आपको डेथ से भी छुपाए रख सकता है। और जिसके भी पास ये तीनों ऑब्जेक्ट होंगे वो मास्टर ऑफ डेथ बनेगा। लेकिन असली मास्टर ऑफ डेथ वही होगा जो कि डेथ को अपनी मर्जी से चुनेगा, ना ही वो हारेगा और ना ही वो जीतेगा। नंबर 4, हॉरक्रक्स मैजिक। अब जबकि इमोर्टैलिटी की बात हो ही रही है तो इसमें हॉरक्रक्स डार्क मैजिक कैसे पीछे रह सकता है? हॉरक्रक्स एक ऐसा मैजिक है जिसमें किसी का मर्डर करना होता है, और हॉरक्रक्स मैजिक का यूज करके अपनी आत्मा का एक टुकड़ा किसी भी ऑब्जेक्ट में डालना होता है, जिसके बाद इमोर्टैलिटी हासिल की जा सकती है। लेकिन ये मैजिक इतना डार्क है कि पूरे विजिटिंग वर्ल्ड में सिर्फ 2 लोग ही हॉरक्रक्स बना पाए थे। सबसे पहला हॉरक्रक्स हरपोदा फाउल ने बनाया था, लेकिन वो सिर्फ एक ही हॉरक्रक्स बना पाया था। उसके बाद वोल्डेमॉर्ट ही एक ऐसा विजार्ड है जो मल्टीपल हॉरक्रक्स बनाने में कामयाब हुआ था। नंबर 5, फीनिक्स। फीनिक्स के जरिए इमोर्टैलिटी हासिल नहीं की जा सकती, लेकिन पूरे विजिटिंग वर्ल्ड में सिर्फ फीनिक्स ही नेचुरली इमोर्टल होता है। ये अपनी ओल्ड एज में जलकर राख में बदल जाता है और उसके बाद उसी राख से दोबारा पैदा होता है। और अगर कोई फीनिक्स को किलिंग कर से मार दे तब भी ये दोबारा अपनी राख से पैदा होता है। इतना ही नहीं, फीनिक्स के आंसू से बड़े घाव भरे जा सकते हैं।
तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही मैंने एक नया चैनल बनाया है उसे भी सपोर्ट करना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और विजिटिंग वर्ल्ड से पूरी तरह से अपडेटेड रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को भी फॉलो करना ना भूलें। नए चैनल पर मैं दोनों ही फैंटास्टिक बीस्ट मूवी का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना।